अफगानिस्तान का अब एक खतरनाक आतंकी लैब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान और चीन यहां तालिबान के साथ मिलकर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आसपास के देशों खासकर भारत के लिए एक जटिल समस्या बन सकता है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान से भी ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अफगानिस्तान में कौन राष्ट्रपति बने, इस पर बातचीत के लिए अब पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को काबुल भेज दिया है। फैज हामिद ने काबुल के कसाई के नाम से बदनाम पूर्व अफगान प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हिकमतियार से मुलाकात की। हिकमतियार अफगानिस्तान में तालिबान के बाद दूसरे सबसे बड़े संगठन हिजबे इस्लामी का प्रमुख है। पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाला हिकमतियार इन दिनों तालिबान सरकार के गठन में मदद भी कर रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने किस खतरनाक प्लान के साथ ISI चीफ को काबुल भेजा है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में दो चीजों को जल्द से जल्द करना चाहता है। पाकिस्तान का पहला प्लान है कि किसी भी तरह पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो जाए। इसके लिए तो पाकिस्तान ने अब सीधे तौर पर तालिबान को मदद पहुंचानी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना के बमबारी की खबरें आ रही हैं। पंजशीर को जीतने के लिए पाकिस्तान जमीन पर तो तालिबान को मदद पहुंचा ही रहा है, लेकिन अब तो पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भी पंजशीर को लेकर प्रोपोगंडा चला दिया है। रोज इस तरह की खबरों को फैलाया जाता है कि पंजशीर पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। लेकिन इन फर्जी खबरों के कुछ समय बाद ही नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद और खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला सालेह इसका खंडन कर देते हैं। वैसे अभी तक पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हुआ हो या नहीं, पर ज्यादा देर तक अब उसका विरोध शायद ना टिक पाए। हक्कानी नेटवर्क ने भी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान का दूसरा और सबसे खतरनाक प्लान है कि अफगानिस्तान की सत्ता में वो किंग मेकर बन जाए। इसके लिए पाकिस्तान काबुल में ही बैठकर इस प्लान को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान की कमान हक्कानी नेटवर्क के हाथ आ जाए। पाकिस्तान नहीं चाहता कि केवल तालिबान ही ताकतवर बने। यहां आपका जानना जरूरी है कि इस वक्त अफगानिस्तान में सत्ता के लिए खुद तालिबान के अंदर ही जंग चल रही है। अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान के साथ साथ हक्कानी नेटवर्क की पाकिस्तान से नजदीकियां हैं। पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे दारुल उलूम हक्कानिया से ही हक्कानी नेटवर्क जुड़ा है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अफगानिस्तान की सरकार में हक्कानी तालिबान से ज्यादा ताकतवर हो गए तो पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क पूरे अफगानिस्तान में फैल जाएगा। आपको बता दें कि तालिबान और हक्कानी की आपसी जंग की वजह से ही अभी तक अफगानिस्तान में सरकार नहीं बन पाई है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आगे बढ़े। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अब्दुल गनी बरादर अपने संगठन के सहयोगी हक्कानी नेटवर्क के साथ झड़प में कथित रूप से घायल हो गया था। फिलहाल अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है उसका असर भारत पे पड़ना तय है। भारत को जल्द ही पाकिस्तान के इस आतंकी प्लान का तोड़ ढूंढना होगा, वरना स्थिति और जटिल हो सकती है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि अफगानिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के दावे को लगभग 20 दिन हो चले हैं। अफगानिस्तान के लगभग सभी प्रोविंसेस ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए सिवाय पंजशीर के। तालिबान पंजशीर को अपने कब्जे में करने के लिए जमीनी और सोशल मीडिया दोनों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ तालिबान दावा कर रहा है कि वो पंजशीर की राजधानी में दाखिल हो चुका है और दूसरी तरफ नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स अपने ट्विटर के जरिए तालिबान द्वारा पंजशीर को कब्जे में लेने के दावे को खारिज कर रहे हैं। जानकर कहते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त मुल्ला बरादर के अलावा हक्कानी नेटवर्क सरकार बनाने की कयावद में है। हालांकि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। उधर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान पर नज़र रखने वालों का मानना है कि इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सोशल मीडिया जंग में तालिबान के साथ पार्टनर इन क्राइम है। जानकर ये भी मानते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए तालिबान मुल्ला बरादर को सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन अफगानिस्तान को चलाने वाले हक्कानी नेटवर्क होंगे जिनकी नज़दीकियाँ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जग जाहिर हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को इन सब घटनाओं का पता नहीं होगा, लेकिन अमेरिका की चुप्पी और उसका इस तरफ आंख मूंद कर बैठना भी एक चर्चा का विषय है।
भारत भी अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपने पुराने और गहरे रिश्तों को कतई ख़त्म नहीं करना चाहता। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में पूरे भी किए हैं और कुछ अभी चल भी रहे हैं। हालांकि तालिबान का कहना है कि वो भारत के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट्स को चालू रखना चाहता है, लेकिन जब तक अफगानिस्तान में नई सरकार नहीं बनती, भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम करेगा। प्रेजेंटिंग दी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।